Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icon. Never miss any new updates. नींद छोड़ छोड़ दे तेरा आलस को त्याग रे, मस्ती में झूम ले बचपन में फिर से तू जाग रे। केसर के चौराहे है आंगन हमारे, क्यों हर पल तो इन पे वाहन चला रे। चलो कुश्ती लड़े और खेल गिल्ली डंडा, कभी शतरंज बास्केट होली का फंडा। कबड्डी कबड्डी की आवाज देके कबड्डी कबड्डी की आवाज देके मस्ती में कर ले राहगिरी। अब संडे ना होगी मोटर गिरी, चलेंगे अपनी राहगिरी राहगिरी राहगिरी। फिट फिट पानी पत मेरा पानी पत, फिट फिट पानी पत तेरा पानी पत, फिट फिट पानी पत हमारा पानी पत, तेरा मेरा मेरा तेरा हमारा पानी पत। फिट 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 पानी पत हमारा पानी पत, फिट 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 पानी पत हमारा पानी पत, फिट फिट पानी पत हमारा पानी पत, तेरा मेरा मेरा तेरा हमारा पानी पत। फिट फिट पानी पत हमारा पानी पत, तेरा मेरा मेरा तेरा हमारा पानी पत।
मेरे को ये रागिरी का बहुत बड़ा बहुत बढ़िया अच्छा एंजॉय हुआ, बच्चों को पब्लिक को अच्छा एंजॉय हुआ, बहुत गैदरिंग हुई यहाँ, डीसी मैम आए और प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था और पब्लिक ने पूरा सहयोग दिया। गुरु नानक पूरा वासी ये चाहते हैं कि हमेशा के लिए यहाँ रागिरी का प्रोग्राम होता रहे और इंजॉय बच्चे को होता रहे। प्लेटफॉर्म मिला है हमें प्रशासन की तरफ से, हमारे बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है, जो एक मैसेज दिया डीसी मैम ने, इससे हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और इस मैसेज को कन्वे हम भी आगे तक लेकर जाएंगे। और जो ये राजा राजा एकेडमी है, इन्होंने भी बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है और उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे और जितना हमारे से हो पाएगा हम वहाँ भी बच्चों को ले जाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और हमें बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आकर आप सबके बीच में, और उम्मीद करती हूँ कि रागिरी का जो सफर है ये आगे ऐसे ही चलता रहे। थैंक यू। जो इस तरह का रागिरी का आयोजन हुआ वो बहुत ही भव्य शानदार और बहुत ही अच्छा रहा। सभी पेरेंट्स ने, बच्चों के अभिभावक थे, बच्चों के साथ आए हुए थे, बहुत सारे कलाकार स्टेज पर शो कर रहे थे। इसके साथ साथ जो आगे आने वाले लोकसभा में वोट डालनी है उसके बारे में भी स्कूलों ने अपनी अपनी तरफ से वोट डालने के अधिकार के बारे में सभी को बताया गया, जिसके बारे में ताकि कोई भी जो भी युवा है, युवाओं से जिन्होंने 18 साल पूरे कर लिए जिनकी वोट बन गई है, तो सभी युवा इससे बहुत बड़े पर्व में लोकसभा के मतदान में हिस्सा लेंगे। और इस राहगिरी पर इतना अच्छा आयोजन करने की तरफ से अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डीसी मैडम का और जो जो यहाँ पर जो जो इंस्टीट्यूशन यहाँ भाग ले रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
दुनिया तक पढ़े। दिल बड़ा दिखा है, दिल बड़ा दिखा है सच्चा कैम का, आप अपने लिए जो जहाँ दिल बड़ा होगा रास्ते निकल ही आएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि सच्चा कैम्प में आज रागिनी जो कि वोट गिरी को समर्पित है, नए वोट बनाने के लिए, प्रेरित करने के लिए, सुविधा देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे सभी साथी, चाहे वो सिख यूथ फेडरेशन है, हमारे जीडी गोयनका स्कूल है, नुक्कड़ नाटक बच्चे प्रस्तुत कर रहे थे, दयाल सिंह पब्लिक स्कूल के बच्चों ने बहुत ही सुंदर किस्सा पूरा वोटों को कैसे प्रयोग करना है उस पर प्रस्तुत किया। क्लाइंट क्लब जो है हमारे पतंगों के माध्यम से वोट का संदेश दे रही है। आप एक बार या डांस करना है वो हमें तो पढ़ाने का काम आता, पढ़ा सकते हैं। यदि आपको डांस सीखना है, डांस करता सीखने है, अपना नाम कमाना है, तो जी और राधे पंचाल जी के पास जाइए, वो डांस के बादशाह हैं, उन्होंने डांस में नाम कमाया है, कई जो जो दुनिया में है उन्होंने नाम कमाया। थैंक यू। क्योंकि मेरा पानीपत फिट, पानीपत तो फिट तो तभी होगा ना जब हम पानीपत के बढ़ते हुए प्रदूषण की लकीर के आगे लंबी लकीर हरी पट्टी की खींचेंगे। वो खींचने के लिए तो सभी को पौधा लगाना पड़ेगा। तो आज मैंने ऐसे ही सबसे ये कहा कि कौन कौन देशभक्त हैं, तो सबने हाथ खड़ा किया, फिर दो दो हाथ खड़े करे, तो 7.5 लाख आबादी के 15 लाख हाथ हैं। एक एक आदमी एक एक अपने बच्चों के साथ मिलकर के पौधा लगाता है, तो 7.5 लाख पौधे तो लगेंगे, और 7.5 लाख पौधे जो कल को पेड़ बनेंगे, आप सोच सकते हैं कि पानीपत का भविष्य उज्जवल है। इसलिए हम चाहते हैं कि मेरा पानीपत फिट, पानीपत कैसे हो, ये भी लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। इसलिए हमने नव संवत पे यह अभियान शुरू कर दिया। क्यों जरूरत पड़ी ये संदेश? देखिए ये तो आपको पता ही है, जीटी रोड पे जाते हैं हम तो ध्वनि प्रदूषण हमें तंग करता है, मॉडल टाउन में जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं तो धूल मिट्टी तंग करती है, सब कुछ पक्का पक्का ही दिखता है, हरा कहाँ दिखता है, जाकर के कहीं मॉडल टाउन में अच्छी ग्रीनरी दिखती है। तो 2004 में जिन्होंने पेड़ लगाए वो आज आनंद उठा रहे हैं, आज हम पेड़ उठाएं, पेड़ लगाएं, तो कम से कम हमारे आने वाली नस्लें तो सुरक्षित हो सके। इसलिए हमने पौधागिरी को भी फैलाना चाहे, हम चाह रहे हैं कि नव संवत पे एक एक आदमी संकल्प ले। ये कहना कि स्थान नहीं है ये उचित नहीं है, घर के छत पे भी पौधे लगाए जा सकते हैं, अपनी गली के आसपास के पार्क में भी पौधे लगाए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी पौधा लगाना नहीं है, पौधा लगा करके उसको मेंटेन करना है। असल देशभक्ति यही होगी जब एक बच्चे के नाम का पौधा लगे, तो जैसे हम बच्चे को पालते हैं हमारा बच्चा भी उस पौधे को पालने के लिए सेंसिटिव बन सके, ऐसा प्रयास। बिल्कुल, एक एक जन की, एक एक बच्चे की, एक एक महिला की, एक एक नवयुवक की, एक एक पुरुष की, हर एक की भागीदारी जरूरी है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। और पानीपत फिट का मतलब केवल हमारा फिट होना ही नहीं है, पानीपत भी फिट हो, पानीपत की आबो हवा भी फिट हो, हमारे लिए जो हमारे सांसों के लिए जरूरी है, इस दृष्टिकोण से पौधा गिरी भी बहुत जरूरी है। लेकिन आज का मुख्य संदेश हमारा वोट बनवाने के लिए भी है, जो रह गए हैं, कतार लगी हुई है वोट बनवाने वालों की, और ये भी हम संदेश दे रहे हैं कि वो वोट का प्रयोग जरूर करें 12 मई को, क्योंकि वोट हमारा अधिकार ही नहीं हमारा कर्तव्य भी, ये देशभक्ति की पहचान भी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर राहगीरी में एक राहगीरी के बाद अगली राहगीरी में उससे ज्यादा जोश देखने को मिलता है, इससे पता लगता है कि पानीपत की जनता जागरूक हो गई है अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति, अपने शहर के स्वास्थ्य के प्रति। जो लोग बढ़ चढ़ के सुबह सुबह इस राहगीरी में हिस्सा लेते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो भी अब राहगीरी हो रही है चुनाव से पहले, राहगीरी वोटर को समर्पित है, तो मेरा अनुरोध है कि सभी जो 1-1-19 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट बनवाएं,
क्योंकि ये प्रशासन ने फैसिलिटेट किया है कि जहाँ भी राहगीरी होती है वहाँ पर हमारे स्टॉल लगे हुए हैं। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है हमारे इस कच्चे कैंप में यहाँ पर राहगीरी का आयोजन किया गया है। हम सभी बच्चे ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया, इसमें काफी सारे लोग इसमें एकत्रित हुए और यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम कराए गए विभिन्न मतलब कि उनके बंदों के द्वारा। और यहाँ पर हमारे मतदान केंद्र भी खोला गया है जिसमें जिस बंदों का वोट नहीं बना हुआ वो बढ़ चढ़ कर अपना वोट बनवा रहे हैं। हम सब बहुत खुश हैं यहाँ पर आकर, धन्यवाद। आज की राहगीरी जो कच्चा कैंप में हुई है, एक बड़ी अच्छी घरों के अंदर आके जो राहगीरी हुई है, और मैंने इतना रश, इतना ज्यादा क्राउड पहली बार देखा है। छोटे छोटे बच्चे आके भी इस राहगीरी में आए हुए हैं। मेरा पानीपत फिट पानीपत के अंदर एक बहुत ही अच्छा आज का और एक कदम था, और मैं आशा करूंगा कि इसी तरह छोटी छोटी कॉलोनियों में जाके भी हम ऐसे राहगीरी करें ताकि सभी लोगों को पता लगे। राहगीरी बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, इसमें बच्चे एंजॉय करते हैं। और डीसी मैम आए थे अभी, प्रदूषण के बारे में, पर्यावरण के बारे में उन्होंने पौधा लगाने के लिए बोली अपने बच्चों के नाम से कि पौधा लगाइए और सभी अपने मत का अधिकार दें, समय पे पहुंच करके 12 मई को अपने वोट का अधिकार करें, अपना वोट दें और बच्चों को स्वच्छ बनाएं, पढ़ाए लिखाए, उनको एक नागरिक बनाएं। जो 18 साल के बच्चे जनवरी में हो गए हैं उनका वोट बनवाएं। यहाँ कैंप लगा हुआ है, उसके बाद 3 दिन के लिए कैंप लगेगा लाल बत्ती पे, 9 से लेकर 12 बजे तक वहाँ कैंप लगेगा 3 दिन के लिए। और जो आज और 3 दिन बाद वोट बनवाएंगे उनको 28 तारीख तक लेटेस्ट
उनके घर वोटर कार्ड पहुंच जाएगा। तो आज हमारे कच्चे कैंप में राहगीरी थी, बहुत अच्छा लगा। और राहगीरी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, मतलब एक बहुत अच्छा जरिया है बंदों को अपडेट करने का। सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं अच्छे से, जैसे हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो अपडेट होते रहते हैं। तो ऐसा होना चाहिए और हर हफ्ते होना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि कच्चे कैंप में दोबारा से फिर एक बार राहगीरी हो। आज कच्चे कैंप में राहगीरी हुई तो मुझे बहुत मजा आया और मैं हर बार स्टेज लगाता हूँ। और मैं डीसी मैम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी मुहिम बनाई है कि राहगीरी, और आज उन्होंने पौधागिरी भी लगाया। तो मैं सभी पानीपत वालों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी एक एक पौधा जरूर लगाए। मैं भी घर पर जाकर पौधा लगाऊंगा और अपने अकेडमी जाके बोलूंगा कि पौधा जरूर लगाए। थैंक यू।